गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर चल रहा था हमारा 16 सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स। ठीक है, इस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे। इससे रिलेटेड हमने हिंदुइज्म के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ाई की थी। ठीक है, आज हम जो पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको, गुरु नानक से सिक्किज्म से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि हम सिक्किज्म किससे पढ़ना शुरू करें, एक इम्पोर्टेंट बात है उसके बारे में देख लेते हैं। वो क्या है? वो ये है कि एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, हमने पढ़ा था कि रिलीजियस क्या होता है। इंडियन ट्रेडिशन में बहुत सारे रिलीजन हैं, अलग अलग इंडियन ट्रेडिशन को प्रेजेंट करने वाले जो कल्चर है उन्हें हम रिलीजन बोलते हैं। ठीक है भाई, एक हमने पढ़ा हिंदुइज्म क्या होता है, फिर पढ़ा था बुद्धिज्म क्या होता है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा जैनिज्म क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा था क्रिश्चियनिटी पढ़ी थी, उसके बाद हमने इस्लाम पढ़ा था। इस तरीके से हमने ये चार पांच रिलीजन पढ़े थे, उसके बाद हम सिक्किज्म पढ़ने वाले थे। रिलीजन की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट हमने बताई थी कि रिलीजन में एक क्या होती है, बुक होती है। ठीक है, और इसके खुद के क्या होते हैं, फाउंडर होते हैं। रिलीजियस के फाउंडर होता है, हर एक रिलीजन का एक फाउंडर होता है और उससे रिलेटेड होली बुक होती है। बट हमारा जो हिंदुइज्म है वो सबसे पुराना रिलीजन है और उसका कोई भी, हमारे इस रिलीजन का कोई भी क्या नहीं है, कोई भी फाउंडर नहीं है। ठीक है, बाकी ज़्यादातर रिलीजन जैसे कि बुद्धिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें गौतम बुद्ध है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं महावीर जो कि जैनिज्म के फाउंडर है, जीसस क्राइस्ट जो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर है, इस्लाम के फाउंडर मोहम्मद साहब है। तो अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग फाउंडर होते हैं। ठीक है, चलो अभी तो हमने ये थोड़ा समरी समअप किया पहला, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे का कवर करते हैं। ये है गुरु नानक, फाउंडर ऑफ सिक्किज्म। गुरु नानक किसके फाउंडर है? सिक्किज्म के फाउंडर है। और सिख वियरस व स्टील बैंगल कोल्ड करा। सिख लोग होते हैं वो क्या पहनते हैं? एक कड़ा पहनते हैं, एक स्टील का बैंगल पहनते हैं, सबको पता होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, कड़ा बोलते हैं। ठीक है, गुरु नानक वाज फेवरेट बोथ ऑफ हिंदुइज्म एज मुस्लिम्स। देखो भाई, इंपॉर्टेंट बात समझो, जो गुरु नानक है वो सिक्किज्म के फाउंडर थे और वे दोनों के फेवरेट थे, हिंदू लोगों के भी और मुस्लिम लोगों के भी। आगे बढ़ते हैं, ही बिलीव दैट देयर आर ओनली वन गॉड एंड पीपल हैव गिवन हिम डिफरेंट नेम्स। उन्होंने कहा कि जो भगवान है वो एक ही है और लोगों ने उन्हें अलग अलग नाम दिए हुए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे गॉड को क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, मुस्लिमों में अल्लाह बोलते हैं और क्रिश्चियनों में जीसस क्राइस्ट बोलते हैं। तो एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम दिए गए हैं, ऐसा सिक्किज्म में माना जाता है, ऐसा उनके गुरु फाउंडर जो है गुरु नानक, उन्होंने इस बात को कहा था। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। हु टोड गुरु नानक पीपल द इम्पोर्टेंसी ऑफ हार्डवर्क ऑनेस्टी। आगे बढ़ते हैं, एंड शेयरिंग द गुरु नानक साहिब। द गुरु ग्रंथ साहिब इज द होली बुक, इट कंटेन कलेक्शन ऑफ हाइमंस, इट इज ऑल्सो कोल्ड एट आदि ग्रंथ। देखो भाई, ध्यान से सुनेंगे, हमने सिक्किज्म के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात पढ़ी कि जो सिक्किज्म है आपका, इसके फाउंडर गुरु नानक साहब है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज इनकी होली बुक का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है भाई, इनकी बुक का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब और इस बुक को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसे हम कहते हैं आदि ग्रंथ। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना और अब हम इसके इम्पोर्टेंट बात के बारे, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। वो है कि ये बुक क्या है, ये बुक एक कलेक्शन है हाइमंस का। हाइमंस किसे कहते हैं? हाइमंस कहते हैं मंत्र को, श्लोक को। जैसे कि आपकी प्रेयर होती थी असेंबली में, सबसे पहले हम किससे शुरू करते हैं असेंबली को, गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं। ऐसे ही ये जो हमारा गुरु ग्रंथ साहिब है सिक्किज्म की होली बुक, इसमें भी बहुत सारे हाइमंस लिखे हुए हैं, उनके अलग अलग मीनिंग है। ओके, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है ज़ोरोअस्त्रिज्म, ये भी एक तरीके का रिलीजियस है। ठीक है, और इसके फाउंडर का नाम क्या है? ज़रा दृष्ट। ठीक है, ये इसके फाउंडर है। आओ इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। ज़रा दृष्ट द फाउंडर ऑफ द ज़ोरोअस्त्रिज्म, हिज रिलीजियस वॉज नॉट बेस्ड ऑन सुपरस्टिशन रिचुअल्स ऑफ हिज टाइम। इनका कहना है कि ये जो आपका ये वाला रिलीजन है, इसका नाम थोड़ा अजीब है, ये रिलीजियस कैसा था ये, जबकि सुपरस्टिशंस अंधविश्वास में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, किसी भी तरह की ऐसी परंपराएं नहीं थी।
ठीक है, इंस्टेड इट टोल्ड पीपल हाउ टू डील विद गुड लाइफ और हेल्प ऑफ विजडम। ये कहता था लोगों को समझदारी से चलने के लिए, सच्चाई से चलने के लिए और अच्छा इंसान बनने के लिए। द पीपल हु प्रैक्टिस ज़ोरोस्ट्रिज्म इज कॉल्ड पर्शियन। और इस रिलीजन को ज़ोरोस्ट्रिज्म को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है इंडिया में, उसे हम क्या बोलते हैं, पारसी। इन लोगों को हम क्या बोलते हैं, पारसी बोलते हैं। ठीक है, देयर होली बुक इज जैन अवस्था। इनकी बुक का क्या नाम है, इनकी भी एक नई एक होली बुक है, जैन अवस्था। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी होली बुक होगी। ठीक है भाई, हिंदुइज्म की बात करें तो हमारे पास गीता, महाभारत, रामायण है। क्रिश्चियनिटी की बात करें तो उसमें बाइबल है। तीसरी सिखिज्म की बात करें तो हमने अभी अभी पढ़ा है कौन सी, गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे आदि ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इस्लाम की बात करें तो उसमें कुरान है। ठीक है, तो अलग अलग ज़्यादातर सभी रिलीजियस में क्या है, ये होली बुक पाई जाती है जो उस रिलीजन से रिलेटेड टीच करती है हमें कि भाई ये रिलीजियस को कैसे फॉलो करना है। ओके, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, इस रिलीजन के बाद हम बात करने वाले हैं अब सोशल रिफॉर्मर्स की। सोशल रिफॉर्मर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इट इज़ ऑफ दिस बुक। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट है सोशल रिफॉर्मर्स। चलो पढ़ते हैं। द सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया हैव टोल्ड पीपल टू गिव अप सोशल इवेल, सुपरस्टिशन, रिस्पेक्ट ह्यूमन बींग्स एंड लिव टुगेदर। जो सोशल रिफॉर्मर्स थे इंडिया के, उन्होंने क्या किया, लोगों को सिखाया कि जो ये बुराइयाँ हैं, सामाजिक बुराई है, अलग अलग तरीके की जो अंधविश्वास की प्रथाएँ हैं, उन्हें छोड़ दो, एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे के साथ सहयोग से रहो, किसी भी प्रकार की जाति धन के आधार पर भेदभाव को छोड़ दो। ये सब किसने सिखाया, किसने लोगों को टीच किया, सोशल रिफॉर्मर्स जो थे। ठीक है भाई, जैसे सोशल रिफॉर्मर्स की अगर हम बात करें कौन कौन है, ये देखो, कबीर, मीराबाई, तुलसीदास, वाज, सेंटो, भक्ति मूवमेंट। ये किसके, भक्ति मूवमेंट के सोशल रिफॉर्मर्स थे। दे टोल्ड पीपल अबाउट टू ब्रदरहुड, मॉरल वैल्यूज एंड इक्वालिटी। उन्होंने भाईचारे की और समानता की बात कही। तुलसीदास रोड रामचरितमानस। तुलसीदास ने एक बुक लिखी है, आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत फेमस बुक है, उसका नाम है रामचरित मानस। संत कबीर स्पेयर्ड द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड थ्रू कपल्स कॉल्ड दोहास। और जो हमारे संत कबीर दास हैं, इन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे हैं। इन्होंने अपने दोहे में भाईचारे की, इक्वालिटी की, सुपरस्टिशन को ख़त्म करने की बात कही है। ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड थ्रू द कपल्स इज कॉल्ड दोहास। उन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारे की, पूरे भ्रातृत्व की बात को स्वीकारा है। आगे बढ़ते हैं, मीराबाई। मीराबाई कंपोज सॉन्ग कॉल पद्स इन प्रैक्टिस ऑफ गिरधर गोपाल। मीराबाई जो है वो कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और उन्होंने उनकी जो उनकी तारीफ में उनके व्यक्तित्व का गुणगान करते हुए जो लिखा है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पद। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमने समझा कि जो हमारे कबीर दास जी हैं, मीराबाई है, तुलसीदास, ये सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए और समानता की बात की। आगे बढ़ते हैं, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया देयर वर मैनी रिलीजियस रिफॉर्मर्स। अंग्रेजों के समय में बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे। स्वामी विवेकानंद वाज फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद का नाम तो आपने सुना ही होगा। अभी 12 जनवरी को जो है उनका क्या था, बर्थडे था, जिसे हम बनाते हैं विश्व नेशनल यूथ डे के रूप में उनका बर्थडे मनाया जाता है। ठीक है, उन्होंने किसके फाउंडर थे वे, रामकृष्ण मिशन के। उसके बाद हम बात करेंगे दयानंद सरस्वती की। दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज। किसे फाउंड किया था उन्होंने, आर्य समाज को फाउंड किया था। राजा राम मोहन रॉय वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। और इसी तरीके से राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ही वर्क हार्ड टू गेट दी प्रैक्टिस एज क्षति एबोलिशमेंट। जो हमारे राजा राम मोहन राय है, इन्होंने सती एबोलिशमेंट, एक बहुत ही बुरी कुप्रथा थी सती एबोलिशमेंट, जिसमें क्या होता था, जब किसी महिला का, जब किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उस लेडी को जिंदा ही उस हस्बैंड के साथ जला दिया जाता था। तो इसे सती कहते थे, सती प्रथा। और इस सती प्रथा का एबोलिशमेंट किसने किया, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने इसे बहुत बुरी तरह से इसे क्रिटिसाइज किया और उसके बाद इसे हटा दिया गया। ठीक है भाई, बात करते हैं विनोबा भावे की। विनोबा भावे स्प्रेड द मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस एंड ह्यूमन राइट्स। इन्होंने लोगों को ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया और नॉन वायलेंस, अहिंसा का मार्ग, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। बात करते हैं बाबा आमटे। वर्क टू हेल्प पुअर
पीपल सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी, ऐसे लोग जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जो अशिक्षित है, उन लोगों की सहायता के लिए बाबा हमटे आगे आए। ईश्वरचंद विद्यासागर स्टूड फ्रॉम फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द स्टैचू ऑफ वुमेन इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन बंगाल। ही इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ विडो रीमैरिज। ईश्वर चंद विद्यासागर क्या करा उन्होंने, उन्होंने विडो रीमैरिज के बारे में, विडो रीमैरिज को लीगलाइज कराया। जो विधवा होती थी, भाई देखो सती प्रथा होने, सती तो होना बंद हो गया, अब विडो रह जाती थी क्योंकि उन्हें जलाया नहीं जाता था, तो अब ऐसे में क्या होता था, वे अकेली रहती थी। इसीलिए ईश्वरचंद विद्यासागर ने क्या किया, एक नया लॉ कानून बनाने की कोशिश की, और उस कानून को कहते हैं विडो रीमैरिज। और उसे वो बनाया भी गया और उसे अप्लाई भी किया जाता है, ठीक है भाई, उसे क्या बोलते हैं हम, विडो रीमैरिज एक्ट। वो किसने बनाया था, वो ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा बनाया गया। ओके, इसी के साथ ही आज का आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के कंप्लीट होने के साथ आपको इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। इस चैप्टर की एक बार और हम समरी देख लेते हैं, हमने इसमें क्या क्या किया। हमने हिंदुइज्म के बारे में पढ़ा कि हिंदुइज्म का कोई फाउंडर नहीं है, उसके बाद हमने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा। ओके, बुद्धिज्म के बाद हमने आगे बढ़े, हमने मुस्लिम इस्लाम के बारे में पढ़ा, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, मुस्लिम बोलते हैं। उसके बाद हमने जीसस क्राइस्ट के बारे में पढ़ा, हमने महावीर के बारे में पढ़ा जो जैनिज्म के फाउंडर हैं। ओके, आज हमने जो पढ़ा था वो सिखिज्म के बारे में पढ़ा था, सिखिज्म के फाउंडर गुरु ग्रंथ गुरु नानक साहब है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि जो सिखिज्म है उसकी जो इम्पोर्टेंट बुक, होली बुक है, उसका क्या नाम है, गुरु ग्रंथ साहिब, और इसे किस नाम से भी जाना जाता है, आदि ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है भाई। फिर सोशल रिफॉर्मर्स जो कि कबीरदास जी, यहाँ दिख भी रहा होगा आपको, ईश्वरचंद विद्यासागर, इन दोनों के बारे में भी हमने पढ़ा, किस तरीके से ईश्वरचंद विद्यासागर ने विडो रीमैरिज को लीगलाइज कराया था, ठीक है। इसके साथ ही आप अपने नोट्स तैयार करना, चैप्टर को अच्छे से रीड करो, जो कोई डाउट है उसे आप ग्रुप में मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, और अपने नोट्स तैयार कर लो, जो इससे रिलेटेड आपको शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और इसके के डिफाइन एंड कीवर्ड्स है वो पीडीएफ के थ्रू मैं आपको सेंड कर दूँगा। ओके, बाय।